आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड तक देखने के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और दिखाना क्या चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक करिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लें और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। तो फ्रेंड्स, कल संडे है, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, आज ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, और कल मैं लाइव आ रहा हूँ, सो आप लोगों को लाइव में आना पड़ेगा। तो 11 बजे से लेके 12 बजे के अंदर, मतलब 11 AM से 12 PM के अंदर मैं लाइव आऊँगा। उसी समय आप लोग YouTube खोल के आइएगा और हमारे साथ बात करेंगे, चैट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोगीबिल नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑलरेडी टहलका मच गया है बोगीबिल के ऊपर लेके, और हाल ही में ऐसा केसेस भी हो रहे हैं बोगीबिल के ऊपर। तो इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो जो मैं कर रहा हूँ उसके पहले मैं आपको एक बोगीबिल के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मेरे जो यूट्यूबर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, शायद किसी को पता नहीं होगा, ये बोगीबिल जो है ये असम में स्थित डिब्रूगढ़ ज़िले में आपका ये एक ब्रिज बनाया गया है जो कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनाया है, और ये अरुणाचल और असम के कनेक्टिंग रोड के लिए बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, और साथ ही साथ उसके नीचे से ट्रेन का पटरी भी वो लॉन्गेस्ट ही है नदी के ऊपर। ये कम से कम 50 लाख लोगों के लिए बहुत ही आसान साबित होने वाले हैं, क्योंकि पहले जब ये ब्रिज नहीं बनी थी तब उन लोग को ये ब्रह्मपुत्र से ही गुजर के आना पड़ता था, बीच से आना पड़ता था, नाव या फेरी से। और 6 महीने बाद क्योंकि पानी भर जाता है इसीलिए वो लोग गुवाहाटी होके घूम के आना पड़ता था, तो इसीलिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था उन लोगों के लिए। ये ब्रिज कंप्लीट करते करते कम से कम 21 साल लगा, और इसका डिस्टेंस है आपका 4.94 किलोमीटर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर, और टोटल खर्चा हुआ उन लोगों का 4,857 करोड़ रुपीज़। ये बहुत ही महंगा साबित हुआ, महंगा मतलब बहुत अच्छा ही हुआ। और ये ब्रिज को इनोग्रेट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आया था, अभी कुछ ही दिन पहले ही इनोग्रेट करके चला गया। तो ये तो हो गया थोड़ा नॉलेज की बात है, और मैं एग्जैक्टली कुछ दूसरा बात बोलना चाहता था। दूसरा बात यह है कि मैं आपको एक पहले वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे एक एक्सीडेंट हो गया। ये ही है बोगीबिल का जो हाल ही में मैं एक्सीडेंट के बारे में बोला था आपको, ये वीडियो फुटेज मैं आपको इसीलिए दिखाया हूँ। ऐसा आप लोग हरगिज़ मत करिए कि एक फ्लाईओवर या ब्रिज का ऊपर से, इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं शायद अभी तो बहुत ओस गिर रहा है तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र फ्लाईओवर एक नया बनाया था, वहाँ पे भी वो लोग सब लोग सेल्फी लेने के लिए वहाँ पे रुका था, और जो कि ये बहुत बड़ा था, फिर भी इसमें से ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड करके 1,000 रुपये फ़ाइन भी करा दिया, वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ई बोगीबिल में एक छोटा बच्चा था, 7 साल का उम्र का एक लड़का था, जो कि सेल्फी लेने के लिए वो लोग विद फैमिली के साथ आया था, और फैमिली के साथ रहते हुए भी उन लोग सेल्फी खींचने में बिजी हो गए, और बच्चा जो है वो दौड़ के रास्ता क्रॉस करने लगा जो कि ब्रिज का ऊपर से, और उसी समय एक सुमो आया, टाटा सुमो आके उसको ठोक दिया, तो उसका स्पॉट डेथ उधर ही हो गया। कम से कम ये वीडियो जो है आप लोग खुद रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि ऐसा बिल्कुल ना करें, अवेयरनेस फैलाइए, और सबको बोल के रखिए कि आप लोग नेक्स्ट टाइम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय आयो हम, बाय बाय।